जय हिंद साथियों। जय हिंद सर। आज बहुत ही खुशी के क्षण है कि जो भी टेस्ट चल रहा है, पुलिस भर्ती चल रही है बालाघाट में, उसमें 20 तारीख को जो दिन भर का इवेंट हुआ था, उसमें से हमारे बलवीर परतेति जी ने 88 नंबर का टॉप स्कोर बनाया है, तो एक बार धमाल तालियां इनके लिए। मैं हमारे बलवीर परतेति जी से बात करूंगा कि वहां पर किस प्रकार का स्थिति है और क्या रणनीति के तहत आपने इतना अच्छा स्कोर खड़ा किया, और उसी के संबंधित में बात करूंगा जिससे कि बाकी भी लोगों को इसका मार्गदर्शन मिल सके और इस रास्ते पर चलते हुए एक सभी लड़के बहुत अच्छा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहे। तो आइए बलवीर परतेति जी, सबसे पहले तो जय जवान फिजिकल अकादमी की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और जय जवान फिजिकल अकादमी ईश्वर से प्रार्थना करती है कि आपका पुलिस में सिलेक्शन हो। थैंक यू सर। तालियां। अच्छा बलवीर जी, हमको ये बताइए कि जैसे ही आप वहां पे गए, कितने बजे पहुंच गए थे, आपका टेस्ट कितने बजे हुआ और वहां पे क्या क्या चेक किया गया आपका? सर, हम ग्राउंड लगभग 5 बजे के करीब पहुंच गए थे, 5 बजे से एंट्री होने लगी थी वहाँ। तो हमारा 4th जो फाइल है उसमें हमारा नंबर लगा था। सर, सबसे पहले एंट्री गेट में आधार कार्ड और एडमिट कार्ड से एंट्री होती है और हम लगाया जाता वहाँ पर। वेरी गुड। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे जाते हैं, फिर वहाँ पर एक रिक्सी फार्म जैसा रहता है, उसमें लिखा रहता है कि मतलब रनिंग करते दौरान अगर कुछ भी होता है तो वो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी, तो उसमें साइन आइन करवाते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे जाते हैं तो एक जॉकेट टाइप पहनाते हैं, उसमें सेंसर लगा रहता है। तो उसके बाद वहाँ से भी थम हम लगाते हैं, 2-3 जगह थम लगाते हैं। फिर उसके बाद लास्ट जो रहता है रनिंग का काउंटर वगैरह जो भी है, सर वहाँ से थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वार्म अप के लिए, और उसके बाद रनिंग के लिए सर लाइन लगा देते हैं और उसके बाद एक के बाद एक एक करके छोड़ देते हैं सभी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप हमें ये बताइए कि वहाँ पे जब रनिंग के लिए आप तैयार हुए तो क्या मोटिवेशन था, जोश आपका कैसा था और आपका रनिंग टाइमिंग क्या आया वहाँ पे? सर, मेरा रनिंग टाइमिंग 2:16 आया था वहाँ पर, 33 नंबर की रनिंग निकाला था मैंने। वेरी गुड, तालियां भी। बहुत बढ़िया। देखो हमारे बलवीर परतेति जी ने 2:16 का मार के 33 का उनने रनिंग निकाला, एक भयंकर अच्छी रनिंग की है वहाँ पे और तभी इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहे। तो अच्छा ये बताइए, क्या उस समय जैसे ही रनिंग आपने स्टार्ट करने वाले थे तो क्या हेजिटेशन लग रहा था, थोड़ा डर? नहीं, या पूरा जोश के साथ में थे? नहीं सर, मैंने मेहनत मतलब जय जवान फिजिकल सोसाइटी में मेहनत किया था, तो मतलब तैयारी मेरी बरकरार थी, अच्छी थी, तो सर डर नाम की ऐसी कोई चीज ही नहीं थी सर। बहुत बढ़िया। बलवीर परतेति जी, हम दूसरा आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहाँ पे जंप का ट्रैक कैसा है और जो पट्टी वगैरह लगी है वो क्या कूदने में थोड़ा अटपटा लगता है या बढ़िया है वहाँ पे? और आपका जंप कितना गया? सर, मेरा जंप 17 करीब गया है। वेरी गुड। 25 नंबर की जंप गई मेरी। वेरी गुड। सर, ट्रैक तो सब बढ़िया है वहाँ पे, तो जंप करने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 3 थ्रो मारा मैंने, तीनों बेस्ट गया था मेरा सर। चलो बहुत बढ़िया, तालियां। और मैंने सुना है कि आपका गोला भी, आपने बहुत बेस्ट गोला फेंका हुआ है वहाँ पे। इतने बलवीर जी की हाइट कम होते हुए भी लोग कहते हैं कि बोला तगड़ा बंदा चाहिए और वो ही अच्छा गोला फेंक सकता है, जिसका कद छोटा है वो गोला नहीं फेंक सकता। इन सारी बातों को बलवीर ने आज पूरा ख़त्म करके रखा हुआ है और ये उसमें कोई भी बात नहीं कि जो तगड़ा है वो ही अच्छा करेगा। बंदे के अंदर में भी जोश है, जुनून है। तो आज हमारे बलवीर जी की कोई ज़्यादा हाइट भी नहीं और तगड़ा भी नहीं, लेकिन गोला उनने पूरे अंक प्राप्त किए हैं। तो इसके पीछे बलवीर जी बताइए कि इसके पीछे क्या राज है जो कि आपने इतना अच्छा वहाँ पे गोला इतना कम हाइट में भी उठा के फेंका और पूरे नंबर अर्जित किए हैं, बताइए। सर, मैंने गोला के लिए काफ़ी टाइम से मतलब तैयारी किया था और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ गोला में मैंने तैयारी किया था। सर, मेरा फर्स्ट थ्रो जो मैंने किया वो 27.5 के आसपास गया था, सेकंड थोड़ा डाउन हुआ, थर्ड में फेंकने के लिए जब तैयार हुआ तो मैंने सोचा मैंने 3-4 महीने से मैंने तैयारी किया हूँ और अगर गोला नहीं गया तो मेहनत बेकार चली जाएगी, ऐसा सोचे थोड़ा जोश लाया मैंने और फुल जोश के साथ जब मैंने गोला फेंका तो सर 29 फीट फेंक दिया मैंने गोला। वेरी गुड, तालियां। तो बलवीर के लिए हुर्रे 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 हुर्रे। देखा किसी ने बोला है कि बोला यार उसके बॉडी पे या किसी के उस पे मत जाना,
उसकी क्षमताओं पे जाना। तो देखो आज उसकी मेहनत रंग लाई और बलबीर ने 29 फीट गोला फेंक करके पूरे अंक अर्जित कर जय जवान फिजिकल अकादमी का नाम रोशन किया और वहां पे टॉप स्कोर बनाने में उस दिन का जो 20 तारीख का इवेंट था बालाघाट में दिन भर का उसमें टॉप स्कोर बनाने में कामयाब रहे। एक बार धमाल तालिया बलबीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद बलबीर जी आपका और जय जवान फिजिकल सोसाइटी का नाम रोशन करने के लिए। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका बढ़िया सिलेक्शन हो। मेरे साथ तीन बार भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद जय भारत।